आज से मनाली और मुंबई का सोलो राइड का सफर चालू होता है। आप सोच रहे होंगे आवाज़ क्यों नहीं आ रही है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बारिश और मेरा साथ इस ट्रिप में चोली और दामन का हो गया है। बारिश होने की वजह से ही मैंने सुबह से रिकॉर्डिंग नहीं की थी। और यह है रसो 95। मैंने यहाँ ब्रेकफास्ट किया है आलू के पराठे देसी घी के साथ। पीछे रोड की कंडीशन कैसी है इस बात का अंदाज़ा आप बाइक को देख कर लगा सकते हैं। पीछे एक टनल का काम चल रहा है जिसका सारा मलबा रोड के ऊपर आ गया है, उसी वजह से बाइक इतनी अच्छी पेंट हो गई है। हिमाचल में बारिश हो और लैंडस्लाइड ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये जाम लगने की वजह भी वही है। मैं ट्रैफिक से वैसे ही बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था, लेकिन ये अंकल मुझसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हैं ट्रैफिक की वजह से। हिमाचल में बारिश कितनी ज़्यादा हो रही है इस बात का अंदाज़ा आप इस वाटर लॉगिंग को देखकर लगा सकते हैं। देख रहे हैं पंछी उड़ते हुए, देखो कितने सुंदर दिख रहे हैं भाई। बहुत देर के बाद हमें मिला, बहुत देर के बाद है हमें मिला है। 123 किलोमीटर हो चुके हैं, इसमें से करीबन मैंने 120 किलोमीटर तो मेन ट्रैफिक में चला है। ये ऐसे हाईवे तो अभी तक बाइक अब आई है चलाने के लिए, बहुत टाइम गया इसमें। क्योंकि आप सामने पहाड़ तो देख रहे हो, बादल बादल बादल। शिट 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 शिट, इतना खराब रोड है अचानक से। नसीब है ये भी सब एक में। दिल्ली चंडीगढ़ शिमला स्ट्रेट, समझ में आया। ये भी इसकी मैंडेटरी बाइक में, कहीं से कहीं तक एक्सपेक्टेड नहीं था कि इस तरह का रोड आ जाएगा अचानक से और इतने लोग होंगे सामने। बहुत रिस्की है यार ये तो, हिमाचल की टेरन और हिमाचल की रोड चाहे कैसे ही हो कहीं भी हो डेंजरस ही हैं यार। बस यही चल रहा है, थोड़े से ढंग के रोड फिर खड्डे गड्ढे सब सब सब, फिर एक टायर इधर भाग रहा है एक टायर उधर भाग रहा है। तो मुझे लगता है जब तक पूरा हिमाचल प्रदेश क्रॉस नहीं होगा तब तक रोड ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। सो थोड़े सा और संभाल के चलाना पड़ेगा, और भी ज़्यादा संभाल कर। तो भाई लोग अभी मंडी पहुंच गया मैं, 131 किलोमीटर मतलब 130 किलोमीटर के आसपास आप बोल सकते हो मंडी है। जब मैं एक बार पिछली बार आया था तो मंडी में हम इस जगह रुके थे, बहुत गर्मी थी तो हम जूस पीने के लिए पीछे रुके हुए थे। इस जगह हमने बाइक खड़ी की थी, यहाँ थोड़ा बाइक का चेन उन टाइट करवाया था। यहाँ पर एक दुकान थी पीछे, हाँ ये वाली ही दुकान, तो मुझे उतना याद है भी। और चलते आगे, सितंबर की बात है 2019 की, तभी तो बहुत गर्मी थी, सितंबर में लगती गर्मी बाइक पे लगती है। आज की राइड बहुत टायरिंग होने वाली है, अभी भी प्रॉब्लम ही हो रही ना। अभी जैसे मैं लद्दाख से आया हूँ तो जो बॉडी जो एल्टीट्यूड हैंडल कर रही है ना कंटिन्यू, ये बड़ा एल्टीट्यूड 14-15,000 तक 17,000 तक गया है। देन सडनली ओप्स, देखो देखो फ़ोन पे बात कर रहे हैं सेठ जी, और जिधर मर्जी उधर घुमा रहे हैं। देखो ये होता है लोगों के आदतें यहाँ पे। कुछ समय के बाद घाट स्टार्ट हो गया, और जैसे कि आप देख सकते हैं रोड काफ़ी नैरो है, और इसी वजह से टाइम और रिस्क दोनों बढ़ जाता है।
इट्स रेनिंग हेवली इन पंजाब, तो मैं यहाँ ढाबे पर रुका था, खाना खाया, देन आई विल लीव। कैमरा अभी चालू नहीं रहेगा क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ी देर में निकलेंगे यहाँ से, बारिश ज़्यादा है, देखता हूँ जहाँ बारिश बंद हो जाएगी वहीं रिकॉर्डिंग चालू करूँगा, अदरवाइज मुझे नहीं लगता बारिश होती रहेगी तो रिकॉर्डिंग चालू करूँगा मैं। चलिए मिलते रोड के ऊपर। तो ये चंडीगढ़ के रोड जो बहुत ही स्मूथ और बेहतरीन किस्म के हैं। फिलहाल हम चंडीगढ़ के अंदर से नहीं बाहर की तरफ से जा रहे हैं। भाई लोग अभी टाइम हुआ है 8 और कुरुक्षेत्र मैंने क्रॉस कर दिया। कुरुक्षेत्र क्रॉस करके 15-20 मिनट हो गए होंगे, तो मैं सोचा बाइक को थोड़ा सा आराम दे दूँ क्योंकि काफ़ी टाइम से चला रहा हूँ। मैंने 4:30 बजे से लेके अभी तक कोई ब्रेक नहीं लिया बीच में, बस एक दो बार बैग ठीक करने के लिए लिया था, वो भी करीब 2-4 मिनट का, उससे ज़्यादा होगा नहीं। गर्मी है यहाँ पर, चाहे ब्रेक लिया, एक्सपेक्टेड है कि मैं 10-10:30 तक पहुँच जाऊँगा, लेकिन गांव एरिया है तो इसलिए घर वाले मना कर रहे कि आ मत अभी, अगर हो तो बाहर रुक जाओ, देखूँगा अगर 10-10:30 या 11 मैक्सिमम 11 तक पहुँचा तो ठीक, अदरवाइज मैं कहीं बाहर स्टे ले लूँगा और फिर कल सुबह घर पहुँच जाऊँगा। लेकिन जितना मुझे लगता है कि शायद आज हो पाएगा, 10 बजे के पहले तो पहुँच जाऊँगा, जो स्पीड में मेनटेन कर रहा हूँ, जिस स्पीड से चल रहा हूँ, चांसेस है हो जाएगा। आपकी पहले वीडियो में बहुत बड़बड़ करते आया हूँ मैं, बहुत बोला मैंने, लेकिन टाइम ख़राब रहता है तो ऐसे ही होता है। DRS कन्वर्टर जो है एक, वो ख़राब हो गया, टैंक बैग का, ये टैंक बैग है मेरा, टैंक बैग का कवर था वो उड़ रहा था, मैंने उसको पकड़ने की कोशिश की और ऐसा नीचे पैर के पीछे में दबा लिया, वो पैर के पीछे से उड़ के किधर चला गया, अभी किधर गया वो पीछे मुझे पता ही नहीं चला। बहुत थोड़ी देर बाद मैंने देखा तो वो गया, और मैं सोच रहा हूँ किधर गया, अभी क्या सोचूँ, होगा क्या मेरे सोचने, कुछ नहीं। चलो थोड़ी देर रुकूँगा यहाँ, उसके बाद निकलूँगा, कान बहुत हो गई यार। एल्टीट्यूड जो सडनली ड्रॉप हुआ है ना, उसने पूरी लगा दी, पूरी बजा दी मेरी, उधर इतनी ठंड, इधर इतनी गर्मी, मेरे को खड़े खड़े भी पसीना आ रहे हैं, देखो है यार गर्मी तो है यहाँ पर। चलो देखते हैं, कान दर्द कर रहे हैं, पता नहीं क्या हुआ है, हेलमेट पहनने के बाद अभी दर्द हो रहा है कान। आसमान ठीक ठाक दिख रहा है, बादल कुछ खास दिख नहीं रहे, उम्मीद है कि बारिश नहीं होगी, कुछ पता भी नहीं है भाई, हो भी सकती है, कुछ आइडिया नहीं, देखते हैं। चलो भाई लोग, टाइम वाज 8:25, ग्लव्स पहनते हैं फट से, निकलते हैं, आधे घंटे का ब्रेक लिया है, हाँ उसमें मैंने अपने वाइज़र हेडलाइट टेल लाइट सब साफ कर लिया, मिरर रह गई, मिरर को चलो हाथ से कर देते हैं, सन प्रोटेक्ट है नहीं। हाँ जी, नहीं जी अब आगे होऊंगा, सामान नहीं छोड़ सकता ऐसे, कोई नहीं जी आगे चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, हाँ चलो जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ अभी देखो लाइट कितनी अच्छी पड़ रही है, पहले तो पता ही नहीं चल रहा था लाइट का, बैटरी से 49% बची है, क्या लेविश बनाए भाई, लेफ्ट में देखो एक बार महल बना दिया, महल पूरा महल, कसम कोई कसर ही नहीं छोड़ी, 5-star होटल से कम नहीं बनाया। तो गूगल आंटी बोल रही है 300 मीटर में आई हैव टू टेक लेफ्ट, सो ओके गूगल आंटी, बट वेयर इज द लेफ्ट, वेयर इज द लेफ्ट, देर इज नॉट लेफ्ट, जंगल में तो जाऊँ क्या,
इसलिए गूगल पे यू कैन नॉट ट्रस्ट। भाई लोग विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा है और आई थिंक आधे घंटे में मैं पहुँच जाऊँगा। आधे घंटे में ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, उसके पहले पहुँच जाऊँगा। गूगल कहीं कहीं साथ नहीं दे रहा है, लोकल्स को पूछ रहा हूँ फिर आगे बढ़ रहा हूँ। जहाँ मुझे पहुँचना है मैं आधे घंटे पहुँच जाऊँगा। तो आई थिंक मुझे ये वीडियो यहीं एंड कर देना चाहिए। तो चलिए मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। मैं हूँ आपका होस्ट रवि। टेक केयर, बाय बाय, एंड राइड सेफ एंड एंजॉय द राइडिंग विद सेफ्टी गियर्स एंड प्रॉपर हेलमेट। बाय बाय।